वेलकम टू ड्रीम्स प्रोडक्शन प्रेजेंट्स एनसीबीटी कौन बनेगा सुपरस्टार। मैं दीपक ऋषि आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से, और हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दो हफ्तों से आप देख रहे हैं हमारे सिंगर्स को, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे। हर कोई, हमारे सारे सिंगर्स, इनके बीच में एक दौड़ सी लगी हुई है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऊपर से सारे बहुत अच्छे हैं, सब पॉलिटिकली करेक्ट जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब में होड़ लगी हुई है सुपरस्टार बनने की। आखिर सुपरस्टार बनना मजाक नहीं है, और अब हमें धीरे धीरे ये पता लगेगा कि कौन बढ़ रहा है सुपरस्टार की तरफ। इससे पहले कि हम शुरू करें हमारा आज का ये राउंड, हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे माने जज से, जो हैं अब्बास मजहर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अब्बास का। एंड अमित सेन गुप्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमित सेन गुप्ता जी का। हम बुलाना चाहेंगे हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, जो बहुत ही सुरीली हैं, हमने उन्हें KBS 2 में भी सुना था, वो है विद्या। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विद्या का। विद्या जी, जी हाँ, लास्ट ईयर आपने गाना गाया और आप काफी मतलब फाइनलिस्ट थे आप जी, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास एडवांटेज है इस साल बाकी के कंटेस्टेंट के मुकाबले, ज्यादा एक्सपीरियंस है? जी ऐसा कुछ नहीं है, सभी बहुत अच्छे गा रहे हैं, और रही बात कंपटीशन की, तो हार जीत तो होती रहती है, फिर भी संगीत से लगाव कभी कम नहीं होना चाहिए। अब्बास जी, आपको क्या लगता है कि आप इनको थोड़ा सा ज्यादा कड़ा जज करेंगे, बिकॉज ये लास्ट टाइम काफी ऊपर तक पहुंच गए थे? डेफिनेटली। हेलो विद्या जी। हेलो जी। करना पड़ेगा ना आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा नजर रखना पड़ेगा। तो आप अच्छा स्टडी करती हैं गीत को, थोड़ा और ज्यादा स्टडी करें और देखें कहाँ कहाँ पर सांस लिए लता जी ने। आपने जी हमें दो अलग अलग ब्रेक लिए, उन्होंने जी और हमें मिला के बोला है, और गला आज थोड़ा ठीक नहीं है आपका प्रॉब्ली, लेकिन वो आपकी वगैरह जो हरकतें हैं बहुत अच्छी निकली, और है
बहुत डिफरेंस है इसमें शायरी के हिसाब से. शायरी गलत हो जाती है अगर है की जगह हैं बोलेंगे आप, तो है नहीं है, है. सो यू हैव टू ब्रिंग दैट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एन नून. गुड परफॉर्मेंस. मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, जब लास्ट ईयर आप फाइनल में थे इसलिए आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है. आपने बहुत अच्छा गाया और अब्बास जी ने जैसे बताया सांस का जहाँ तक सवाल है उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं जो वर्ड के बीच में सांस नहीं लेना चाहिए. अगर जी हमें उसमें लता जी ने सांस नहीं लिया, आपने लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वर्ड को नहीं काटा तो. और आपको नर्वस बिल्कुल नहीं लगा, आपका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा है.